तो गाइस एक बैड न्यूज़ है, अपनी बाइक का क्रैश हो गया था यार। तो आज अपने बेबी बीस्ट की सर्विस होने वाली है, अभी जा रही है अपनी ड्यूक अंदर। ये लगाए बाहर अपना बीस्ट यार, 134 लगा ली गाइस आज बाइक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज भीमू एंड यू आर वाचिंग भीमू व्लॉग्स। सो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे गाइस अपनी लाइफ में। तो आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ बाइक की सर्विस करवाने, तो अपनी बाइक की सेकेंड सर्विस आ गई है। तो अभी जो है सबसे पहले प्रीवियस ब्लॉग के कमेंट्स पर लेते हैं। तो गाइस पिछले ब्लॉग पे पहला कमेंट आया है पहाड़ी शाउट आउट 001, सो इन्होंने कमेंट किया है फुल पावर, सो थैंक यू ब्रो कमेंट करने के लिए। एंड दूसरा कमेंट आया गाइस घनश्याम पायल, सो थैंक यू ब्रो कमेंट करने के लिए। एंड गाइस तीसरा कमेंट आया शुभम का, सो थैंक यू ब्रो कमेंट करने के लिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दूं, तो जल्दी से इस ब्लॉग पे कमेंट कर दो। एंड अगर आप लोगों का कमेंट फर्स्ट 3 कमेंट्स में आता है, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को शाउट आउट दूंगा। तो यार गाइस आप लोगों को बता दूं, जो मैंने प्रीवियस व्लॉग किया था, जो यामाहा FZS वर्जन 4.0 का रिव्यू किया था मैंने, तो उसमें जो एक बुरी चीज़ होगी मेरे साथ, मैंने GoPro में GoPro की ओरिजिनल बैटरी लगाई थी। बैटरी तो ये ठीक है, बट यार इसका जो रिमूवर होता है ना, ये देखो ये निकल गया है यहाँ से, ये यहाँ पे फंसा होता है इसके पीछे। GoPro में लग तो रही है अच्छे से, बट इसको निकालना मुश्किल हो रहा है यार, क्योंकि इससे पकड़ के इसको खींचते थे तो तब करके ये बाहर आती थी, अब इसको खींचने का है ही नहीं कुछ। और इसको मैं अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये लग नहीं रहा है, ये जो इसका रिमूवर है ये लगाना पड़ेगा। तो गाइज ये एक बैड न्यूज़ है मेरे लिए यार बहुत। तो करते हैं इसका भी कुछ जुगाड़, तो अभी आप लोग बने रहो ब्लॉग में, बाकी बातें करते हैं आपसे बाइक पे। सो गाइज अभी हमने थोड़ा सा जुगाड़ कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी ताज़ा ताज़ा लगी है फेविक्विक, तो अभी इसको रखते हैं इसमें थोड़ी देर एंड उसके बाद देखते हैं अपना जुगाड़ कामयाब है या नहीं। सो स्पेशल थैंक्स टू महेश ब्रो, थैंक यू ब्रो, थैंक्स। ठीक है मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को घर पे बताया कि मैं आज आ रहा हूँ बाइक की सर्विस करने, तो आज अपने बेबी बीस्ट की सर्विस होने वाली है और ये जो है बाइक की सेकंड सर्विस है। तो यार अभी अपनी बैटरी वाला इशू तो सही हो गया है, एक और बैड न्यूज़ है गाइस इसकी कि अपनी बाइक का क्रैश हो गया था यार घर पे थोड़ा सा। तो नीचे आप लोग देख सकते हो क्रैश गार्ड पे मिट्टी लगी है, तो एक्चुअली जहाँ पे बाइक पार्क करता हूँ ना वहाँ पे मिट्टी है नीचे, सो रात को बारिश हुई होगी एंड मिट्टी धस गई एंड जहाँ पे स्टैंड लगा था स्टैंड मिट्टी में धस गया और बाइक गिर गई थी। मैं क्लिप लगा दूंगा, ये देख लो आप। इसका जो स्टैंड है ना ये धस गया था नीचे, सो बाइक गिर गई थी यार, पता नहीं कब की गिर गया, तो इसके क्रैश गार्ड वगैरह लगे नीचे, सो सैड। तो गाइज अभी तो बाइक ठीक है, बस इसका ये जो क्रैश गार्ड है ना ये लगा है नीचे यार, थैंक गॉड कि मतलब फ्यूल या कूलेंट या इंजन ऑयल वगैरह कुछ लीक ना हुआ, क्योंकि ये पता नहीं कब से यार ऐसी गिरी थी। सो क्रैश गार्ड ही लगा है, बाकी तो बाइक ठीक है पूरी। क्रैश गार्ड बहुत सही रहते हैं यार, ये देखो ये इतना धस गया था। सो अभी तो बाइक स्टार्ट अच्छे से हो गई है। सो गाइज कुछ ऐसा सीन हुआ था, तो बाइक पे स्क्रैच वगैरह तो कुछ नहीं आए, एक जो क्रैश गार्ड है ना ये भी मिट्टी में धस गया था, इस पर भी मिट्टी लगी है। तो यार ये दो बैड न्यूज़ थी, एक तो बैटरी वाला इशू एंड सेकंड बाइक का क्रैश हो गया था छोटा सा घर पे ही। चलो कोई सीन नहीं होता रहता है, बाकी यार मेरे को बैटरी वाला इशू कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ना तो मैंने उसको ज़ोर से पुल किया, वो जैसे ही मैं बैटरी निकालने लगा ना बैटरी थोड़ी सी बाहर निकली और उसके बाद वो रिमूवर ही निकल गया उसमें से। GoPro से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुए हैं। तो गाइज अभी एक्सट्रीम लेवल की राइड तो यार मैंने की नहीं, बंदे तो यार GoPro से ही ले लद्दाख करते हैं, वहाँ पे तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा गर्मी और इससे ज़्यादा ठंड होती है। तो यार एक्सट्रीम लेवल तो अभी इस बैटरी पे एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं, GoPro को लिए अभी 2 महीने भी नहीं हुआ एंड ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो चलो छोड़ते हैं इस बात को परे, अभी हमने जुगाड़ रखा है छोटा सा करके, होप सो वो जुगाड़ सही हो। तो आज अपनी बेबी बीस्ट की सेकेंड सर्विस होने वाली है, तो अभी आप लोग बने रहोगे इस ब्लॉग में। अगर भाई लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो।
भाई भाई भाई। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है आप लोगों को आज की राइड। सो गाइस फुल पावर राइड हो रही है यार। तो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं मंडी में। एंड भाई लोग सर्विस का ऐसा सीन है ना, मुझे इस सर्विस की कोई याद ही नहीं थी। मेरे माइंड में इतना था कि पारस भाई ने बोला था 7,000 रुपये करवा लेना, एंड मेरे माइंड से ये निकल गया था कि 7,000 या 3 महीने के अंदर करवा लेना। एंड फिर पारस भाई ने मेरी एक वीडियो पर कमेंट किया था कि भाई सर्विस करवा लो, एंड फिर मैंने उनको कॉल की एंड फिर उन्होंने बताया कि भाई आप अपना मतलब जो KTM ऐप है ना उस पर चेक कर लो कि कितना टाइम रहा है। एंड भाई लोग जब मैंने चेक किया ना उसमें ओनली 3 दिन रह गए थे सर्विस करवाने को। तो परसों या चौथी मैंने वो चेक किया है। मुझे सर्विस की कोई याद ही नहीं थी क्योंकि अभी अपनी बाइक चली है 4,349 किलोमीटर। तो भाई लोग अभी मतलब 4,500 किलोमीटर भी नहीं चली है। मेरे माइंड में इतना ही था कि भाई ने बोला है 7,000 रुपये होगी अगली सर्विस। तो फिर भाई ने बोला था कि 2-3 दिनों में करवा लेना आप सर्विस, तो आज का प्लान बना है। एंड मेरे को ऐसा फील भी हो रहा था कि बाइक जो है थोड़ी घुटके चल रही है, आई थिंक इसका जो एयर फिल्टर है ना वो क्लीन करने को हो गया है। तो सही है वैसे, टाइम पे सर्विस भी आ गई। एंड मेरे माइंड में तो भाई वही था 7,000 7,000। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बार टाइमली पता लग गया एंड आगे के लिए भाई लोग आंखें खुल गई। सो अभी चलते हैं। एक तो यार यहाँ मंडी से नियर चौकी साइड को ना ट्रैफिक ही बहुत है भाई। एंड यार अपने GoPro की बैटरी भी ख़राब है। एंड भाई लोग जो लास्ट राइड हुई थी ग्रुप राइड उसमें लवली भाई का क्रैश हुआ है, एंड जो मिशु भाई है ना उनका भी क्रैश हो गया है। मतलब बहुत गंदे गंदे सीन हो रहे हैं, डोंट नो क्या सीन हो रहा है। ऐसे ही कांड पे कांड हो जा रहे हैं लाइफ में। डोंट नो क्या होगा आगे। तो चलो अपने आज पे ध्यान देते हैं भाई, जो होगा देखा जाएगा। लेट्स गो। भाई लोग यार इस साइड रोड से ही है एंड ट्रैफिक भी नहीं आ जाता, तो इस साइड मज़ा आ रहा है भाई। कमेंट करके बताओ गाइज कैसा लग रहा है आपको ये वाला ब्लॉग। सो गाइज फाइनली अभी मैं पहुंच गया KTM मंडी, करवाते हैं सर्विस भाई लोग यहाँ पे। नमस्ते अंकल जी, सर्विस करवानी है बाइक की, KTM ड्यूक 200 दूसरी है। अभी जा रही है अपनी ड्यूक अंदर। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया शोरूम में एंड यहां पे हो रही है अपनी बाइक की सर्विस। तो ये लगा है बाहर अपना पीस, तो यहां पे ज़्यादा शूट करने देते हैं। तो अभी बाइक की सर्विस करवाते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे। तो बने रहो गाइस ब्लॉग में। अगर गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, ब्लॉग को करो लाइक कमेंट शेयर, एंड कमेंट करके बताओ आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। सो गाइज फाइनली अपनी बाइक की सर्विस हो गई कंप्लीट एंड ये चेक करो आप लोग, ये लगी अपनी ड्यूक भाई, एकदम क्लीन होके आ गई है। एंड ये चेक करें आप लोग, देखो आज की सर्विस में इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ है एंड ऑयल फिल्टर चेंज, एंड ये जो बैक वाला ब्रेक फ्लूड होता है ना वो डला है, और इसकी चेन क्लीन हुई है एंड और क्या हुआ है, और नहीं हुआ कुछ, यही हुआ है। हाँ ऑयल एयर फिल्टर भी चेंज हुआ है, इसमें पानी घुस गया था यार पता नहीं कैसे घुसा। सो भाई बोल रहे थे कि वॉशिंग करते टाइम घुस गया होगा, यार ऐसे कैसे घुस गया भाई,
चलो जो हुआ है अच्छा है। एंड जो अपनी बाइक के बैक वाले ब्रेक पैड है ना वो भी चेंज हो जाएंगे, 300 से 400 किलोमीटर पे चेंज करने हैं। एंड आगे वाले अभी ठीक है और अपनी बाइक ओके एकदम। तो ये रही गाइस आज की सर्विस एंड अभी चलते हैं। एंड ये रहा KTM मंडी एंड अभी शोरूम को बाय करते हैं। तो भाई एक चेक मार के आते हैं। यो गाइस अब मजा आ रहा है ना भाई लोग। तो यार आप लोगों को बता दूं इसका जो एयर फिल्टर था ना वो गंदा हो चुका था बहुत ज़्यादा। तो अब आगे को तो मुझे पता लग गया एंड आगे को मैं खुद इसको क्लीन कर दिया करूँगा। तो इस बार हमारा एयर फिल्टर चेंज हो गया है एंड यार उसकी हालत भी बहुत गंदी थी। सो सॉरी बेबी, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम हम लोग ध्यान रखेंगे। वैसे यार मेरे माइंड में ये था कि मतलब कंपनी से बाहर हम लोग नहीं खुलवा सकते। एंड मैंने यहाँ पे पूछा तो भाई ने बोला ऐसा कोई सी नहीं, आप खुद भी इसको क्लीन कर सकते हो। तो अगर ऐसा पता पहले होता तो भाई मैं खुद ही कर देता। स्पीडी का एयर फिल्टर तो मैं खुद ही करता रहता हूँ चेंज। तो अब इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। भाई सच बोलो ना मज़ा आ रहा है इसको चलाने का क्योंकि अब अच्छे से इनिशियल ले रही है ये। सो गाइस चलो लगाते हैं थोड़ा सा टॉप अप बाइक का। यार 134 लगा ली गाइस आज बाइक, लास्ट टाइम मैंने 131 लगाई थी। तो यार इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, व्लॉग को करो लाइक कमेंट शेयर। तो गाइस मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज़।